अराई ब्लॉक मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पर आशा सहयोगिनियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हेल्दी लीवर को लेकर चर्चा की गई, जिसमें ब्लॉक CMHO डॉक्टर अनुज पिंगोलिया ने समस्त राजकीय संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्र आदि पर पानी की टंकी सफाई करवाने की बात कही, जिसमें स्वास्थ्य संबंधित बातों पर विशेष ध्यान देने के लिए समस्त गणमान्य लोगों से अपील की गई। संस्था के पेयजल और अन्य पानी की टंकियों को साफ रखे। BCMO डॉक्टर अनुज पिंगोलिया ने कहा कि गांव में हर जगह पानी साफ होगा तो लीवर संबंधित बीमारियां नहीं होंगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस दौरान ब्लॉक CMHO डॉक्टर अनुज पिंगोलिया ने फील्ड स्टाफ के कार्य की सराहना की। प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। ये हमारा हेल्दी लीवर कैंपेन का है। इसके साथ साथ जो हेल्दी लीवर कैंपेन में हमको अपने अपने पेयजल स्रोत, जितने भी पेयजल स्रोत है ना हमारे इंस्टीट्यूट की, उसकी सफाई करवानी है, टंकी की सफाई करवानी है। गांव में जितने भी पेयजल स्रोत है उनका फ्लोरिनेशन हो, सफाई हो, और ये एक बार होने के बाद कम से कम 3 महीने में एक बार हम उठता है, क्योंकि ये बीमारी जो फैलने वाली है ओरल रूट से फैलती है पानी के द्वारा। अगर हम पीने का पानी साफ रखेंगे तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। हेपेटाइटिस कई तरह का होता है, जो सबसे कॉमन होता है हेपेटाइटिस बी, उसके बाद आता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ए भी होता है, डी भी होता है, तो सबसे ज्यादा हम इसके लिए मतलब बी और सी वाले अलग पास होते हैं। इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। IC अभी आपको बता दीजिए।